प्रियंका गांधी कल मध्य प्रदेश के ग्वालियर में थी। इस दौरान बीजेपी पर हमलावर होते हुए प्रियंका गांधी ने मंच से ऐसे बयान दिए जिनकी चर्चा सोशल मीडिया पर काफी गर्म है। लेकिन प्रियंका के इस वायरल वीडियो के जरिए आज हम आपको भारतीय राजनीति की पर्ची पॉलिटिक्स के बारे में बताएंगे, कैसे ये पर्चियां भारतीय राजनीति में जनता को लुभाने का जरिया बनती हैं। एबीपी न्यूज की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप देखिए। आपके मुद्दे क्या है? महंगाई है, बेरोजगारी है, जिस तरह से ये घोटाले पे घोटाला होता जा रहा है, जिसकी बड़ी लंबी लिस्ट है यहाँ मेरे पास, निकालते हूँ क्योंकि इतनी लंबी है कि इतने सारे याद भी नहीं रह पाते। खैर, निकाल के बाद मैं बताऊंगी, दिख नहीं रही। पर्ची खोजने वाला प्रियंका गांधी वाड्रा का 22 सेकंड का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। निकालते हूँ क्योंकि इतनी लंबी है कि इतने सारे याद भी नहीं रह पाते। खैर, निकाल के बाद मैं बताऊंगी, दिख नहीं रही। ग्वालियर में शुक्रवार को प्रियंका गांधी वाड्रा रैली करने गई थी। शिवराज सिंह चौहान पर हमले के लिए घोटालों का जिक्र किया, लेकिन घोटालों का नाम गिनाने के लिए पर्ची खोजने लगी। घोटाले पे घोटाला होता जा रहा है, जिसकी बड़ी लंबी लिस्ट है यहाँ मेरे पास, निकालते हूँ क्योंकि इतनी लंबी है कि इतने सारे याद भी नहीं रह पाते। खैर, निकाल के बाद मैं बताऊंगी, दिख नहीं रही। बीजेपी इस वीडियो को लेकर प्रियंका गांधी को घेर रही है और आरोप झूठ बोलने का लगा रही है। उनको झूठ नहीं बोलना चाहिए, शोभा नहीं देता। अब उन्हें कितने झूठ बोले कि 3 साल में 27 नौकरी थी, अब आप लोग गवाह है। वैसे भारतीय राजनीति में पर्ची का ये खेल कोई नया नहीं है। मंच से पर्ची दिखाकर जनता के दिल में जगह बनाने की कोशिश सालों से होती रही है। दर्शकों को एबीपी न्यूज के चर्चित शो प्रधानमंत्री का वो हिस्सा देखना चाहिए जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह 1989 के चुनाव प्रचार में राजीव गांधी के खिलाफ इसी तरह की पर्ची का इस्तेमाल करते थे। इस सौदे में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। मेरे पास उन स्विस खातों के नंबर और खातेदारों के नाम हैं, जिनके नाम पर बोफोर्स की दलाली जमा हुई है। इसमें बोफोर्स की दलाली खाने वालों के नाम और उनके स्विस खातों के नंबर लिखे हैं। और एक पर्ची तो राहुल गांधी की भी वायरल हो चुकी है, जब उन्होंने 2012 में यूपी में चुनाव प्रचार के दौरान लखनऊ की सभा में समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र फाड़ने की बात कही थी। बाद में दावा किया गया कि वो घोषणा पत्र नहीं बल्कि वो पर्ची थी जिस पर वो स्थानीय नेताओं के नाम लिखकर लाए थे। कहने का मतलब ये कि भारतीय राजनीति में पर्ची की पॉलिटिक्स पुरानी है और प्रियंका गांधी वाकई में कोई पर्ची लेकर पहुंची थी या फिर उन्होंने दिखावा किया, बेहतर उन्हीं को पता होगा। निकालते हूँ क्योंकि इतनी लंबी है कि इतने सारे याद भी नहीं रह पाते। खैर, निकाल के बाद मैं बताऊंगी, दिख नहीं रही। वैसे ग्वालियर के मंच से उनके दो और बयान वायरल हो रहे हैं। एक बयान में वो घोटालों की संख्या बता रही हैं, तो दूसरे में बेरोजगारों की संख्या। क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि ये दो 20-25 घोटाले, इनकी जो लिस्ट है ये हर रोज बढ़ती कैसी चली जा रही है। आज 1600 युवा बेरोजगार हैं प्रदेश में, 1600 युवा आत्महत्या कर रहे हैं बेरोजगारी के वजह से। युवा जो होता है वो आशा रखता है, महत्वाकांक्षाएं होती हैं उसकी, फालतू की स्कीमों पर निर्भर करेंगे जिसमें आपको कुछ मिलता भी नहीं है, लेकिन आपको रोजगार नहीं दिलवाएंगे, आपको अपने पैरों पर खड़े होने का काम नहीं करने देंगे। राजनीति में विरोधियों पर हमले के लिए कई तरह के हथियार निकाले जाते हैं, कुछ निशाने पर लगते हैं, कुछ मिसफायर हो जाते हैं। निकालते हूँ क्योंकि इतनी लंबी है कि इतने सारे याद भी नहीं रह पाते। खैर, निकाल के बाद मैं बताऊंगी, दिख नहीं रही। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी।
इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।